नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन पेपर करवाएंगे, जो आपके पिछले एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके का टेस्ट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कॉमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 20 प्रश्नों के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कॉमेंट करके बताना है। तो चलिए, बिना किस टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, हुम इज द सिल्वर रिवॉल्यूशन रिलेटेड, यानी कि रजत क्रांति का संबंध किससे होता है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका मांस उत्पादन है, ऑप्शन बी अंडा उत्पादन है, ऑप्शन सी कोयला उत्पादन, या ऑप्शन डी झींगा मछली उत्पादन। तो जल्दी से बताना है कि रजत क्रांति का संबंध किससे होता है। तो रजत क्रांति का संबंध जो होता है वो आपका अंडा उत्पादन से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी अंडा उत्पादन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लाल क्रांति का संबंध किससे होता है, तो लाल क्रांति का संबंध जो होता है आपका मांस उत्पादन से होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और गुलाबी क्रांति का संबंध जो होता है आपका झींगा मछली उत्पादन से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नंबर क्वेश्चन को। दो नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हेन डिड द स्पेस प्रोग्राम बिगिन इन इंडिया, यानी कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन है आपका 1962, ऑप्शन डी 1965, ऑप्शन सी 1969, या ऑप्शन डी 1970। तो जल्दी से बताना कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिएगा, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत जो हुआ था वो आपका 1969 में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी 1969, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन नंबर क्वेश्चन को। तीन नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि महात्मा गांधी की हत्या किस साल में हुई थी, आपको बताना है कि महात्मा गांधी की मृत्यु कौन से साल में हुआ था। ऑप्शन आपका 1945, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950, या ऑप्शन डी 1949। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, महात्मा गांधी की मृत्यु जो हुआ था वो आपका 30 जनवरी 1948 में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, तो यूएनओ का स्थापना जो हुआ था आपका 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, इसे आपको ध्यान रखना है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था आपका 1949 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन को। चार नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु वाज डिस्कवर्ड डायनेमो, यानी कि डायनेमो की खोज किसने की थी, आपको बताना कि डायनेमो का खोज किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका गैलीलियो, ऑप्शन बी जेम्स वाट, ऑप्शन सी माइकल फैराडे, या ऑप्शन डी थॉमस एल्वा एडिसन। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, डायनेमो का आविष्कार जो किया गया था वो आपका माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो दूरबीन का खोज जो किया गया था आपका गैलीलियो के द्वारा किया गया था, इसे आपको ध्यान रखना है। और विद्युत बल्ब का आविष्कार जो किया गया था आपका थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था, इसे आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि भाप का इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो भाप का इंजन का आविष्कार जो किया गया था आपका जेम्स वाट के द्वारा किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच नंबर क्वेश्चन को। और पांच नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच रिवर इज कॉल्ड साल्ट रिवर, यानी कि किस नदी को नमक नदी कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपके 2012 जीडी के एग्जाम में पूछा गया, तो जल्दी से बताना है कि किस नदी को नमक नदी कहा जाता है। ऑप्शन आपका गोदावरी, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी कावेरी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, नमक नदी जो कहा जाता है वो आपका लूनी नदी को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी लूनी, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छह नंबर क्वेश्चन को। छह नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लैक पर्ल, यानी कि निम्न में से किसे ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन भी आपके जीडी के एग्जाम में पूछा गया, तो जल्दी से बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किसे ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी पेले, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सात नंबर क्वेश्चन की ओर। सात नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच इज कॉल्ड द सिटी ऑफ सेवन हिल्स, यानी कि सात पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है। आपको बताना कि सात पहाड़ियों का नगर के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन आपका पेरिस, ऑप्शन डी जापान, ऑप्शन सी रोम, या ऑप्शन डी नॉर्वे। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी रोम, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का जन्नत किसे कहा जाता है, तो विश्व का जन्नत जो कहा जाता है आपका पेरिस को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आठ नंबर क्वेश्चन को। आठ नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, वेयर इज सिलिकॉन वैली इन इंडिया, यानी कि भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है। आपको बताना कि भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आपका दिल्ली, ऑप्शन डी मैसूर, ऑप्शन सी हैदराबाद, या ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, भारत में सिलिकॉन वैली जो होता है वो आपका बेंगलुरु में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बेंगलुरु, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ नंबर क्वेश्चन को। नौ नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, हु इज द क्रिएटर ऑफ द हर्षचरित्र, यानी कि हर्षचरित्र के रचयिता कौन है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका
कंबन है, ऑप्शन बी जींस एंड ऑप्शन सी बांध भटिया, ऑप्शन डी डंडी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा हर चरित्र का रचयिता जो होते हैं वो आपका बांध भट्ट होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बांध भट्ट, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच रिवर इज कॉल्ड बंगाल सोर, यानी कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी से बताना कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ऑप्शन आपका यमुना, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी नर्मदा या ऑप्शन डी कोसी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा बंगाल का शोक जो कहा जाता है वो आपका दामोदर नदी को कहा जाता है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी दामोदर, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और बिहार का शोक जो कहा जाता है आपका कोसी को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है, आपको बताना कि कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होता है। ऑप्शन आपका 1 जोड़ी, ऑप्शन बी 2 जोड़ी, ऑप्शन सी 3 जोड़ी या ऑप्शन डी 4 जोड़ी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी 3 जोड़ी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि श्रीहरिकोटा इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी बिहार। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा श्रीहरिकोटा जो होता है वो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू की थी, आपको बताना कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका 1905 ईस्वी, ऑप्शन बी 1919 ईस्वी, ऑप्शन सी 1920 ईस्वी या ऑप्शन डी 1853 ईस्वी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी 1920 ईस्वी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि भारत में पहली बार ट्रेन कब चला था, तो भारत में पहली बार रेल जो चला था वो आपका 1853 में चला था, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन जो हुआ था आपका 1905 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और इससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक एक लाइक कर देना। आप बहुत सारे बंदे लाइव हो, लेकिन अभी भी लाइक कम है, तो आपसे रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से एक एक लाइक कर देना है। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे प्रेस करना। आपका सपोर्ट और प्यार थोड़ा सा कम हो गया, तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना है, कम से कम 2 या 3 दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करना है। तो देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, बैटल ऑफ मद्रास वाज फाउट इन विच ईयर, यानी कि मद्रास का युद्ध कौन से साल को लड़ा गया था, आपको बताना कि मद्रास का युद्ध कौन से साल को लड़ा गया था। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा मद्रास का युद्ध जो हुआ था वो आपका 1746 में लड़ा गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी 1746, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 1757 में हुआ था, इसे आपको ध्यान रखना है। और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था आपका 1761 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान रखना है। और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था आपका 1576 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु इज द ऑथर ऑफ मेघदूत, यानी कि मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन थे, आपको बताना है मेघदूत पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन आपका वाल्मीकि, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी वेदव्यास या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा मेघदूत पुस्तक जो होता है वो आपका कालिदास के द्वारा लिखा गया, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी कालिदास, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है, तो महाभारत जो होता है आपका महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया है, और रामायण जो होता है आपका महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, हु फर्स्ट कॉल्ड महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन, यानी कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो कहा था वो आपका सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ रशियास करेंसी, यानी कि रूस की मुद्रा का क्या नाम होता है, आपको बताना कि रूस की मुद्रा का क्या नाम है। ऑप्शन आपका रियाल है, ऑप्शन बी लीरा, ऑप्शन सी रूबल या ऑप्शन डी येन। तो देखिएगा रूस की मुद्रा जो होता है वो आपका रूबल होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी रूबल, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और जापान का मुद्रा जो होता है आपका येन होता है, और सऊदी अरबिया का जो होता है आपका रियाल होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि इंडिया टॉप प्लेयर पंकज अडवाणी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी कि भारत के शीर्ष खिलाड़ी पंकज अडवाणी
किस खेल से संबंधित है, जल्दी से बताना कि भारत के शीर्ष खिलाड़ी पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से होता है। ऑप्शन आपका स्नूकर, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन सी तैराकी या ऑप्शन डी निशानेबाजी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है स्नूकर, यानी कि बिलियर्ड्स, यहाँ पर आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को, और 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल, यानी कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। ऑप्शन आपका कल्पना चावला, ऑप्शन बी आरती शाह, ऑप्शन सी सानिया मिर्जा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है वो आपका आरती शाह, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को, और 20 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना है। देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है। आपको बताने का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ऑप्शन आप कहिएगा ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी जिनेवा या ऑप्शन डी लंदन। तो देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो होता है वो आपका हेग में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन हेग यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट जाते जाते एक लाइक और अपना कमेंट में बता देना है कि आपका टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।